धरा धड़ा गोली चल तो बड़हिया के चौको पा ता नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोख पा नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोख पा। मतलब एक दो गाए होंगे आप और उसके बाद वायरल हो गए, यही ना? चौथा गाना मेरा, चौथा गाना था। बड़ा ही सौभाग्य है आप कि चौथा गाना ही बज गया। क्या हमारे साथ सौरभ यू है जो कि लखीसराय में धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं। भाई आज ये वायरल हो गए गाने से, आज हम बात करेंगे गाने को लेकर के और भी कई बात करेंगे मगही को लेकर के। स्वागत है सबसे पहले सौरभ जी। पहले तो जितने भी हमारे गंगा न्यूज को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम हो रहा। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, लेकिन काफी धड़ाधड़ गोली चला के अब वायरल हो गए हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, बस आप लोग का आशीर्वाद है। एक लाइन पहले वही वाला पहले हो गया। किले के हम बाराती अइबो जमुई जिला के चौक पर, किले के हम बाराती अइबो लखीसराय के चौक पर, ता नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोख पर। कितने बस रहने दीजिए, जान गए सभी हमारे दर्शक। यही है वो जो कि काफी गाना वायरल हुआ है, आप सबको नोक पे नचा रहे। कितने लोग को नोक पे नचाए अभी तक? कितने लोग, जितना भी नाच रहे सब तो नाच ही रहे। तो सब नाच रहे हैं, तो राइफल के नोक पे जो बता रहे हैं तो कितने लोग को अभी तक नचाए हैं आप? लगभग हमको लगता है कि अगर इंस्टा की बात बोले तो 3.6 मिलियन, 6 मिलियन लोग को नचा दिए। हाँ, उससे भी ज्यादा होगा, इंस्टा पर तो 3 मिलियन से प्लस लोग। नाचे तो उसका तो बात ही अलग है। नाच देखिए भाई, ये गाने हैं दिल पे लेने वाली बात नहीं है। आइए, जो राइफल पे नोक पे जो गाना था इन्हीं का था। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सौरभ यू जी है और इनका भागशाली है बहुत कि इनका गाना, मतलब एक दो गाए होंगे आप और उसके बाद वायरल हो गए, यही ना? चौथा गाना मेरा, चौथा गाना था। बड़ा ही सौभाग्य है आप कि चौथा गाना ही बज गया। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना काफी संघर्ष करते हैं उसके बाद भी वायरल नहीं होते, लेकिन चौथे गाना में आप वायरल हो गए। बस ये आप लोग का आशीर्वाद और प्यार है, और क्या, हमारा थोड़ी ना, दर्शक का है ना। हाँ, बोल तो रहे ना उन्हीं का। अच्छा, कब से गाना गा रहे हैं आप? बचपन से गा रहे हैं। कितने बरस के? बट 6 एल्बम का बात बोले तो 6 महीना से कर रहे हैं, 6-7 महीना हो गया। मतलब एल्बम 6-7 महीने से आप मतलब कर रहे हैं, और गाना शुरुआत कब से गाए? बचपन से, जब 8-9 साल के थे। 8-9 साल के, वही समय। कैसे शुरुआत की? स्कूल से? स्कूल से नहीं, घर में तो गाते थे, स्कूल में भी गाते थे। मतलब होता है ना कि स्कूल में आदमी गवाता है गाना वाना वहाँ से, क्योंकि स्कूल में एक टाइम होता है, एक दिन होता है कि उसमें बोला जाता है कि गाना आपको गाना है। गाते थे। तो मतलब कैसे आपको ये होगा कि हम गाने गाएं, कैसे ख्याल आया कि गाना ही गाना, हमको पढ़ना नहीं है? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी या चलना? नहीं, पढ़ाई भी हो रहा है, संगीत से मेरा बीएड हो रहा है, सेकेंड ईयर है। अच्छा, टीचर संगीत टीचर का तैयार। अच्छा, सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है। चल रहा है, इंटर फाइनल। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा बहन भाई सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि गाना गाइए, म्यूजिक लाइन में जाइए? हाँ, तो पहले से बोलते। अच्छा, बहुत सारे लोगों का अफसर बनने का रहता है, चाहे और भी क्षेत्र में जाने का मन करता है, लेकिन आपने ही संगीत ही क्यों चुना? बचपन से ख्वाहिश था कि हम एक सिंगर ही बने, बट अभी बने नहीं, अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना बताते हैं कि गंदगी है ये सब लाइन में, मतलब गंदा गाना गाता है। मतलब कि आप क्या गंदे गाने गाएंगे, या हमेशा जिस तरीके से आप गाने लेके आ रहे हैं उसी तरीके से? अब जिस तरह पब्लिक का डिमांड रहेगा, अब हम क्या बता सकते? मतलब गंदे भी गाना गाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं, अश्लील जो बोलते हैं? नहीं नहीं, अश्लील तो नहीं गाएंगे। अश्लील नहीं गाएंगे? नहीं, तो बता रहे जो पब्लिक डिमांड करेगा। पब्लिक तो बहुत चीज देख रहे, वो सब गंदा चीज नहीं होता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए वो सब चीज किया जाता है। अगर आपका सोच अगर सही है तो सब कुछ सही है, बाकी बात कोई चीज गलत नहीं धरती पर। नहीं, पब्लिक बहुत सारे लोग जो है, एडल्ट वीडियो मतलब कई तरह के, आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि ये देखना वो देखना, तो क्या आप उस तरीके के दिखाएंगे? नहीं, उतना भी हद तक थोड़ा जाना है। नहीं, उतना भी थोड़ा करना है, साफ सुथरा गाना बस। अच्छा, गाना कौन सा पहला एल्बम गाए थे आप? पहला गाना मेरा था कि तोरा होठा बा के लाली होठा लाली देखे में बड़ी मस्त लगा हो, कि तोरा कनामा के बाली कना बाली
देखे में बड़ी मस्त लगा हम घूमो हियो बन के गेगुरी पागला दीवाना तोरा प्यार में घूमो हियो बन के गेगुरी पागला दीवाना तोरा प्यार में। ये तो गाना बड़ा सुंदर है महाराज जी, नहीं बजा? हाँ बजा ना। कितना बजा? मेरा फर्स्ट ही गाना था लगभग, वही फर्स्ट मेरा गाना था तो उस टाइम स्टार्टिंग था तो थोड़ा होता है ना। मतलब कितना बजा? बजा तो बहुत बजा, फिर भी मिलियन अपना एरिया में तो लाख से पारे चल गया था। एक लाख? अभी तो बहुत है, अभी तो 7-8 लाख, अभी 7-8 लाख हो गया। वायरल होने के बाद सब लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं कौन कौन सा गाना गाया। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था एक कोचिंग वाला मेरा गाना आया था, बहुत ही अच्छा था। और हम जिस टाइम पढ़ते थे कोचिंग में वही वाला था। कोचिंग में उठा गा दिए? नहीं हाँ गाए थे, बट वो कहानी कुछ और था। कोचिंग का गाना था, कहानी कुछ और था। लड़का बोलता है अपने माँ से कि लखीसराय जिला बा के नामी है कुनाल सर के कोचिंगा बागे मैया, लखीसराय जिला बा के नामी है अंकुर सर के कोचिंगा बागे मैया, तबरी तो रे नियम से पढ़ाब हखिन विकास सर इंग्लिश बागे मैया, तबरी तो रे नियम से पढ़ाब हखिन विकास सर इंग्लिश बागे मैया। इतना जब बेटा बोलता है तब माँ रोते हुए बोलती है कि कैसे तोरा पढ़े ले बेटा भेजियो पापा तोहर खुना बेरोजगार, कि अरे कहाँ से लइयो पैसा रे बेटा नहीं हो घर में कौनो रोजगार। बहुत सुंदर गाना है, ये रुलाई वाला भी है, पढ़ाई पे भी है, और विकास सर का आप कोचिंग का भी फेमस कर दिए, उन पे भी गा दिए। हाँ उसी टाइम ये गाना वायरल हो गया था, लखीसराय का अगर बोला जाए स्टार तो हम उसी समय बन गए थे। तो ये गाना सबसे पहले बजा था? हाँ हाँ यही गाना था जो बजा था, लेकिन पहचान कम से कम लखीसराय वाला से हुआ। हाँ अगर पहचान का बात बोले तो राइफल के नोट से। अच्छा कहाँ से हैं आप? लखीसराय से हैं। लखीसराय मतलब कहाँ? लखीसराय तो बहुत बड़ा है। लखीसराय वहाँ से मेरा घर है 2-3 किलोमीटर, एक लोदिया गांव पड़ता है वहीं पे। अच्छा कौन कौन लोग का सपोर्ट मिला आपको यहाँ तक पहुँचने में, किन किन लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे आप? पहले तो हमारे जितने भी देख रहे हैं पहले तो इन्हीं लोग का सपोर्ट है, बाकी बात तो हम लोग का मेहनत करना है। कौन लोग थे आपको यहाँ तक पहुँचाने में? सामने मेरा भाई बैठा हुआ है दोनों, और एक ठो भाई है, बस यही सब। और क्या यही सब से गाना जो लिखा था वही है, रोहित जटमी वही लिखा था गाना, उसी का लिखा हुआ था गाना, जितना भी गाना अगर बोला जाए तो अभी उसी का। अच्छा और कौन 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 से गाने आने वाले? और मतलब कि एक ठो गाना मेरा राइफल टू रिलीज हुआ था, वो भी अच्छा खासा। कैसे? अच्छा खासा रील भी बना, रिस्पॉन्स भी अच्छा। कैसे बोला था? रंगदारी वाला रील हम बनाइबो छौड़ी गे खुले आम हमे राइफल देखाइबो छौड़ी गे, रंगदारी वाला रील हम बनाइबो छौड़ी गे खुले आम हमे राइफल देखाइबो छौड़ी गे, कि अपना जिलावा के चौक पर नाचइबो छौड़ी गे, कि तोरा राइफल के नोक पर नाचेबो छौड़ी गे। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा। अच्छा आप लोगों को लगता है कि अगर ये सब गाने गाते तो लोग हथियार राइफल ऊपर ये सब लेके रील बनाना शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कलाकारों के वजह से? नहीं मानना तो बात अलग है, बट हम लोग क्या इंटरटेनमेंट के लिए सब करते हैं, मगर कोई कोई अगर रियल में करते तो ये तो गलत है। गलत है। हाँ एक ठो और गाना था सिलवा वाला था, इस तो बहुत ही अच्छा गाना था। थोड़ी के दिलवा जई हो नहीं सिलवा बनी हो नहीं खिलाड़ गे, थोड़ी के दिलवा जई हो नहीं सिलवा बनी हो नहीं खिलाड़ गे, नहीं तो लखीसराय के चौक पगोली मारा बहुत तोर भातार के। मतलब गुंडा उंडा है मारा। यही सब गाना गाते हैं। गुंडा उंडा नहीं, उस टाइम था रंगदारी ये सब चला हुआ था मेरा तो इसी टाइम आता था। तो मतलब रंगदारी ये खाली गाएंगे, दूसरा तरीके का लाएंगे? एक ठो सेट सॉन्ग छूटा जो कि नमहा पर छूटा था, बहुत ही अच्छा। वो गाना को 3 बार स्ट्राइक मरवा दिया चैनल से। कौन मरवाया? अब के मरवाया नहीं मरवाया हमको क्या पता है। कैसे कैसे गाना? बहुत ही अच्छा था। बैठी जैमी माड़ा बागे जानू से नूरा परी जैतो होते भोरे भोर,
कि आगे बैठी जाय मी मारा बागे जानू से नुरा पड़ी जाय तो होते भोरे भोर आगे एने तोरे आ जनबा जात ओने साजा तौ रथिया मोर अगे एने तोरे आ जनबा जात ओने साजा तौ रथिया मोर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गा रहे हैं बेचारे। आप भागशाली हैं बहुत ना, कि मतलब चौथा गाना इनका ट्रेंडिंग में आ गया और पहचान भी मिल गया। काफ़ी लोग जो है ना बहुत संघर्ष करते हैं फिर भी पहचान नहीं मिलता है, लेकिन इनका मतलब दर्शकों का खूब दुलार प्यार भी है। लास्ट में चलते चलते फिर एक वही वाला लखीसराय के मतलब चौक वाला सुना के और छोड़ चलते हैं दर्शकों। बराती में छोड़बो नहीं पारा का खाली गोली चलाई बहुगे, शादी में ये तो तोर सहेली साथे वो करो ना चाहिए बहुगे, कि आगे धारा धारा गोली चलतो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चलतो बड़हिया के चौक पर, तनाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोख पर, तोरो हम नाचे बहु छौड़ी राइफल के नोख पर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा गाते हैं कैसा नहीं गाते हैं, और दर्शक का तो प्यार मिल रहा है। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि हम आपसे सवाल नहीं पूछ पाए और आप दर्शक के बीच में जो रखना चाहते हैं? बस इसी तरह आप लोग आशीर्वाद प्यार देते रहिए और आगे देखते जाइए क्या क्या। चलिए तो अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।